खरगोन कृषि उपज मंडी की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सड़कों पर उतरे और महत्वपूर्ण मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि मंडी में व्यापारियों के वाहन हमेशा खड़े रहते हैं, जिनसे कोई वसूली नहीं की जाती, जबकि उनके वाहन जब मंडी में जाते हैं तो 500 रुपए प्रति दिन के हिसाब से रसीद काटी जाती है। ऐसे में भेदभावपूर्ण रवैये को देखते हुए ट्रांसपोर्ट व्यापारी संघ ने कलेक्टर कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ ने बताया कि ट्रक खड़े करने की कोई व्यवस्था प्रबंधन ने नहीं की और ऊपर से मोटी वसूली कहीं न कहीं गलत है, इसका निराकरण किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। जन सुनवाई में इसलिए आए हैं कि जो गाड़ियां मंडी से नहीं भराती थी और दूसरे दिन भरा देती थी, किसी कारणवश अगर गाड़ी नहीं लोड होती थी दूसरे दिन लोड होती थी। अभी मंडी सचिव जो नया आए हैं, ये 500 रुपए की रसीद काट रहा है पर डे की। अगर गाड़ी किसी कारण से अगर कुछ दिक्कत आ जाती है, पार्टी ने बुलवा ली है, अगर दो दिन खड़े रही या तीन दिन खड़े रही, तो 1500 की रसीद काट रहा है। इसी संबंध में हमने कलेक्टर साहब को अवगत करवाया कि एक डीजे की गाड़ी जो खड़ी हुई है पिछले दो महीने से खड़ी हुई है, क्या उसकी रसीद कट रही है? व्यापारी जिनकी खुद की गाड़ी है, वो व्यापारी मंडी के अंदर जिनकी स्वयं की गाड़ी है, वो 5-5, 10-10 दिन, 15-15 दिन खड़े रहती है, इनकी कोई रसीद नहीं कटती। और सिंगल मोटर मालिक है, इनकी रसीदें कट रही है। अब रसीद कौन से नियम से कट रही है? पिछले 25 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में हूँ, मैंने 25 सालों के अंदर ये नहीं देखा कि किसी गाड़ी वाले की 500 रुपये रोज की रसीद कटी हुई है। खरगोन शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर शहर के बाहर गाड़ी खड़ी करो तो चोरी होने का डर रहता है, और चोरी होती है जिसकी हम FIR कई बार करवा चुके हैं। उसके बाद में अगर खरगोन के अंदर ही कहीं साइड से लगा तो ट्रैफिक पुलिस चालान कार्रवाई करती है, तो फिर हम लोग कहाँ जाए? हम लोगों का अगर निराकरण नहीं होता है तो हम लोग मंडी का बायकॉट करेंगे, गाड़ी कोई लोडिंग क्यों नहीं भेजेंगे। आरिफान, ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन अध्यक्ष, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।